लुधियाना के ग्लाडा ग्राउंड में 4 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया गया, जहां कई बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। और इस दौरान इस एक्सपो के ऑर्गेनाइजरों ने बताया कि सिसू ने जी इस बार नुमाइश लगाई है, ये पहले तो काफ़ी ज़्यादा एक तो ज़्यादा कंपनीज आई हैं। साडा ये परपज है भी जेडे लुधियाने के बने प्रोडक्ट है वह दुनिया को दिखाए जा, दूजा जी इंटरनेशनल तकनीक्स है या टेक्नोलॉजीज़ है उन्होंने लुधियाने लिया जाए ता कि इंडस्ट्री उन्होंने देख के ग्रो कर सके। ये जोड़े नवे प्रोडक्ट लॉन्च किए गए है वेद जिदा कि रॉबट्स है या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, इस तो अलावा लो कॉस्ट आटोमोशन के काफ़ी ज़्यादा गैजट्स है, वो ना ये है भी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकेगी, कीमत घटेगी तो इंडस्ट्री तरक्की कर सके। देखो मंदी तो हमेशा चलती रहती है, 2008 मंदा आया, 2013 मंदा आया, पर मंदा शॉर्ट टाइम ही होंगे। मैं उम्मीद है कि मार्च तो बाद जो बिजनेस है वो दोबारा पूरे जोर न चलेगा, पर जे असी पहला तैयारी की होएगी तो ही असी तेजी के दौर में कैटर कर सकांगे। कोई मैं कोई फैक्ट्री नहीं देखी जी बंद होने वाली हो, पर यह भी थोड़ा रिसेशन 10-20% जरूर हैगा, पर कोई इदा का कोई सीन नहीं कि इंडस्ट्री बंद हो रही। चलो असी सरकार नू लगातार कोशिश कर रहे हैं भी जल्दी तो जल्दी एग्जीबिशन हॉल बनाया जाए, तो सरकार ने टेंडर किया, उन्होंने कोई प्राइवेट प्लेयर लभ रहे हैं जिहड़ा उन्होंने लग के एग्जीबिशन लगा सके, और असं यही डिमांड करते हैं। अज डावर साहब भी आए थे, उस तो अलावा संजय बैल जी आए थे, उन्होंने यही असी रिक्वेस्ट की है कि जल्दी जो जल्दी एग्जीबिशन हॉल बनाया जाए तो कि सानू टेंटा नुमाइश ना लगे। ये 400 के करीब स्टॉल लगे है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज आई हैं, तो साढ़े जो पार्टनर है महकमा एक्सपा तो कमलजीत सिंह, इन्होंने बड़ी मेहनत करके जिन्हें भी विदेशी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा लिया लिया ये चाइना के स्टॉल है, पैनासोनिक जापान का स्टॉल है, आटोटेक जर्मनी का स्टॉल है, इस तो अलावा होर विदेशी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा। असी इस नुमाइश के अपने घा कट्टी मशीन लान मोर जी अभी तैयार करते हैं लंबे समय तो हर साल की तरह इस साल भी असी इतने अपना स्टॉल लगाया, ये सानू बहुत सारी अच्छी रिस्पोंस मिल रही है, बाहरली स्टेटों तो भी साढ़े को कस्टमर इतने पहुँचे ने, तो यह नुमाइश सारे लिए बड़ी लाभदायक है। अपनी बनाई हुई चीज़ को प्रदर्शनी करके लोगों तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा साधन है।